राज कुंभरानी एवं धाउगी बाढ़ की जिला परिषद प्रत्याशी विभा सिंह ने कहा कि मेरा परिचय बहुत साधारण है और साधारण परिवार से ही संबंध रखती हूं, जिस परिवार ने प्रदेश के लिए अपना राजनीतिक योगदान दिया है और विकास किया है। उन्होंने कहा कि वह एक ऐसे राजनीतिक परिवार में पली है जिसका प्रदेश के लिए अथाह योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि अब मेरी शादी भी ऐसे राजनीतिक परिवार में हुई है जिस परिवार ने प्रदेश व जनता की सेवा की है। उन्होंने कहा कि मैं ऐसे परिवार में पली हूं जहां स्वार्थ की नहीं बल्कि सेवा भाव की राजनीति होती है, इसलिए मैं इस क्षेत्र की सेवा करना चाहती हूं। और आप लोगों ने जो मुझे यहां चुनाव लड़ने के लिए आमंत्रित किया है, यह शायद देवी देवताओं का ही आशीर्वाद है। गौर रहे कि विभा सिंह पूर्व मुख्यमंत्री की भतीजी हैं और महेश्वर सिंह की बहू हैं। उन्होंने कहा कि आज महिला शक्ति का जमाना है और महिलाओं के स्वावलंबन व आत्मनिर्भरता के लिए कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास व रोजगार के लिए नई नई योजनाएं लाई जाएंगी। हम जिस उद्देश्य की ओर बढ़ रहे हैं, भगवान उसमें हमें सफलता दे और सफल होने के बाद हमें सही रास्ता दिखाए, ताकि हम अपनी जिम्मेवारी यहाँ पर उपस्थित आदर योग्य बुजुर्गों, माताओं, भाइयों, बहनों और प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं हमारे धौगी वार्ड से जिला परिषद प्रत्याशी के रूप में आप लोगों के बीच उपस्थित हुई हूँ। मेरे परिवार से आप सबका संबंध एक तरह से तो कहा जाए तो युगों का है, लेकिन राजनीतिक रूप से जो संबंध मैं कहूंगी वो 1977 से जुड़ा है, जहाँ तक मुझे जानकारी है। राजा साहब की ये क्षेत्र उनकी कर्म भूमि रहा है, यहाँ से उन्होंने अपनी राजनीतिक शुरुआत की और उसके बाद राजनीति में बहुत ऊंचाइयों को छुआ, आप लोग सभी जानते हैं। लेकिन राजा साहब को जब जब आपकी ज़रूरत महसूस हुई, आपने सदा राजा साहब का साथ दिया, और आप लोगों को जब 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 भी उनकी ज़रूरत महसूस हुई, कोई समस्या हुई, तो उसके बाद भी राजा साहब हमेशा एक स्तंभ की तरह, एक परिवार के मुखिया की तरह आप लोगों के बीच उपस्थित रहे। जहाँ जहाँ उनसे संभव हो सका, समय समय पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहे। अब जहाँ तक संबंध है, तो मैं कहूँगी जिला परिषद वार्ड के संबंध में कुछ समय पहले मेरे पति श्री हितेश्वर सिंह जी को आप सब ने उनके द्वारा रैला वार्ड में किए, जो कि ज्येष्ठा वार्ड के नाम से जाना जाता है, वहाँ 10 साल में किए कामों को पसंद करते हुए इस बार आप सब ने उन्हें अपने यहाँ पर न्योता दिया था अपनी सेवाएं देने का, और आप सबके बीच वो आए। आप शायद सभी को मालूम होगा, आप सबसे मिले और अपनी बात उन्होंने रखी और आप सब ने उन्हें पूरा आशीर्वाद और समर्थन दिया। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि पंचायत रोस्टर आने से एक दिन पहले यह घोषणा कर दी गई कि यह वार्ड महिला रिजर्व वार्ड घोषित कर दिया गया। मुझे ऐसा लगता है, मेरा अपना एक मानना है कि शायद देवी देवताओं को कुछ आशीर्वाद रहा होगा या मेरा और इस क्षेत्र से कुछ संबंध रहा होगा कि एक दिन पहले नहीं, मैं तो कहूँगी कि जब ये रोस्टर आया उसके बाद ही बहुत दिनों तक इस बात की चर्चा हुई, और शुरू में हितेश्वर सिंह जी ने मना किया। उन्होंने कहा कि एक तो थोड़ी हमारे घर की स्थिति कि हमारे दादी भी काफ़ी मतलब बुजुर्ग हैं, आप सबको जानते हैं, तो पहले उन्होंने कहा कि आप लोग अपने बीच से कोई महिला कहें। दो तीन बार इनकी मीटिंग हुई, आप तो जानते हैं, तो लेकिन बाद में फिर यही बात आई कि नहीं, हमें आपकी ही महिला चाहिए। तो फिर जिस दिन मैंने अपने बेड़े अपने घर की दहलीज से बाहर एक प्रत्याशी के रूप में कदम रखा, मैं भी आप लोगों की तरह एक घरेलू महिला हूँ, मेरे दो बच्चे हैं, मेरा भी संयुक्त परिवार है, हम जेठानी सास सब मतलब एक संयुक्त, हमारे घर में 5 बच्चे हैं कहा जाए तो, हम एक परिवार में रहते हैं। लेकिन जिस दिन मैंने बाहर एक प्रत्याशी के रूप में कदम रखा, तो मैंने अपने से एक वादा किया, एक निश्चय के साथ कदम रखा कि हाँ, अगर मुझे सेवा का मौका मिला है, अगर मुझे आप लोगों के बीच जाने का मौका मिला है, तो मैं अपना 100% योगदान इस क्षेत्र को दूंगी, जहाँ तक संभव हो सकेगा। बहुत कठिनाइयाँ हैं इस क्षेत्र में, सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, कई जगह पानी नहीं है, स्वास्थ्य सुविधा नहीं है, स्कूल की दिक्कत है। मेरी कोशिश रहेगी जहाँ तक हो सके
इन सब समस्याओं का, जहाँ तक मेरे मेरे मतलब मेरे जो कार्य क्षेत्र में होगा, जितना मैं कर पाऊंगी मैं अपना 100% आप लोगों को दूंगी, पूरा मेरा साथ रहेगा, आवाज़ आप लोगों की होगी, आप लोगों का साथ होगा, मजबूत आवाज़ में आगे ले जाऊंगा। गला थोड़ा खराब अब बात की जाती है ये तो जी देखिए, अगर मैं अपनी मैं आपको प्राथमिकताएं बताऊंगी, यदि मैं जिला परिषद सदस्य बन के आप लोग मुझे चुन के भेजते हैं तो मेरी कुछ प्राथमिकताएं रहेंगी। आने वाले 5 सालों में महिलाओं के लिए सुनिश्चित किया जाएगा कि हर पंचायत में कुछ ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, कुछ ऐसे जो अपने गुणों का निखार कर सके, विभागों से बात करके कुछ ऐसे प्रोग्राम्स किए जाएंगे जिसमें कि महिलाएं एक समूह के रूप में काम करें और वो स्वावलंबन और आत्मनिर्भर बने, उनके द्वारा बनाई गई चीज़ें बाहर के एग्जीबिशंस में ले जाई जा सकें। बाकी आप लोग महिलाएं जो आप मुझे मार्गदर्शन देंगे वो मैं करने के लिए हमेशा तैयार रहूँगी। दूसरी बात, मैं स्थानीय किसान, हमारी किसानी हम सबका इकाई का साधन है, तो मेरा रहेगा कि हर पंचायत में वन विभाग या आपका कृषि विभाग, मधुमक्खी पालन, कई लघु उद्योग है, इसके संबंध में जानकारी के लिए आप लोगों को बाहर ना जाना पड़े। समय समय के अंतराल में पंचायतों में ही कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए कि या ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन की जाए कि आप लोगों को जानकारी के लिए बाहर ना जाए, यही सब कुछ मिल जाए। छोटे बच्चों से मैं वादा करती हूँ कि आप लोगों में से जो भी बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, आप सभी जो भी सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरा ये वादा है कि कोई भी बच्चा मेरे वार्ड में ज़मीन पे ना बैठे। तो सबसे पहले उनके लिए डेस्क की व्यवस्था की जाएगी, सुनिश्चित किया जाएगा, और साथ में कहीं अगर टीचर्स की दिक्कत है तो वन शिक्षा विभाग से बात होगी, और कहीं अगर बिल्डिंग्स की मरम्मत की ज़रूरत है स्कूलों की तो वो भी ज़रूर शिक्षा विभाग से बात होगी। बाकी सड़क की समस्याएं हैं, रास्तों की समस्याएं हैं, पानी की छोटी छोटी दिक्कतें हैं, बिजली की छोटी छोटी दिक्कतें हैं। एक प्रोजेक्ट होकर भी, इतना बड़ा प्रोजेक्ट होकर भी ये वार्ड में क्या कारण है कि आज तक इन दिक्कतों में हम लोग जूझ रहे हैं? जहाँ तक मैं देख पाती हूँ उसका कारण ये है कि यहाँ पर जो भी चुने हुए नुमाइंदे थे वो क्या कारण था, आज मुझे कहते हैं कि मैं बाहर ही हूँ। लेकिन मैं उन लोगों से ये पूछना चाहती हूँ, आप लोग स्थानीय थे तो आप लोग जीतने के बाद क्यों नहीं आए? वो क्या कारण है कि वार्ड में जिस दिन से मैं कहीं भी गई हूँ, किसी भी क्षेत्र में गई हूँ, आप लोग इस बात से सहमत होंगे, सिर्फ एक बात ही आती है सामने, किसी वोट मांगने तो सब आते हैं, जीत के कोई वापस नहीं आता। इस बात से शायद आप सभी लोग सहमत होंगे। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, जो विश्वास मेरे साथ, सिर्फ मेरा ही नहीं, राजा साहब की प्रतिष्ठा, एक विश्वास आप लोगों का जो जुड़ा है हितेश्वर जी पर, आप लोगों ने विश्वास रखा है मेरे और मेरी अपनी जिम्मेवारी, ये तीन तीन विश्वास मेरे साथ हैं जो कि मुझे कायम रखने हैं, और मेरी कोशिश रहेगी ये विश्वास जो है उसको मैं मजबूती दूँ, वो टूट ना पाए। और बाकी बातें होती है, एक और मैं महिलाओं से अपना दुख बांटना चाहूँगी। कई जगह ऐसा हुआ कि मुझे अपने मायके का कोई मिला, या मुझे ऐसा लगा ये मेरी तरफ का है, कभी रामपुर का या कभी किन्नौर का कोई मिल गया, या कोई क्षेत्र ऐसा है जो मुझे ऐसा लगता है, एक एक भावनात्मक जुड़ाव होता है, तो कहीं दो आंसू अगर निकल गए तो मैं उन लोगों को भी बोलना चाहूँगी, आप लोग जवाब देंगे इस बात का, मेरे बारे में ये कहा जा रहा है कि रोकर वोट मांगे जा रहे हैं, तो जिस आदमी में अपनी भावना नहीं होगी वो व्यक्ति क्या, महिलाएं वो ज्यादा समझ सकती हैं। अगर आप महिला के आंसू को एक प्यार के बदले उसको भी राजनीति से जोड़ दें तो वो बात कहां तक उचित है? ये इस बात से आप लोग सहमत होंगे, यदि आपको राजनेता ऐसा चाहिए जिसमें कोई भावना ही नहीं है वो अलग बात है, लेकिन जिस व्यक्ति में भावना होगी वही दुख दर्द समझ सकता है कि दूसरे का दर्द क्या है। आप इसको, अगर मैं कहीं रोए भी हूँ तो इसको मेरी कमजोरी ना समझे, ये वो जुड़ाव है जहाँ मुझे अपनापन महसूस होता है। कई बार राजा साहब के लिए आप लोगों का प्यार देख के मेरी भावना उमड़ती है, कई बार होता है कि अपना कोई दिखे, कोई मायके जैसा दिखे, वो स्थान ऐसा लगे, एक मायके का प्यार तो मायके का ही है ना,
मानते हैं ना जी आप लोग, कहीं ऐसा होता है, कहीं ऐसा लगता है मुझे बहू के रूप में बहुत प्यार किया जाता है, कई जगह ऐसा हुआ है कि मुझे इतना तक बुजुर्गों ने बोला कि आज आप आए हो, हमें लगा कि राजा साहब आए हैं, तो उससे बड़ा मेरे लिए क्या बात है जी। वो आंसू बहना एक वो तो नेचुरल चीज है, स्वाभाविक चीज है। अब उसको भी अगर राजनीति से जोड़ा जाए तो फिर आप सोचिए फिर मैं मतलब क्या करूं। या तो मुझे ऐसा करना चाहिए कि कुछ ना बोले हुए, कोई विजन ना रखते हुए बस एक नमस्ते करूं और बोलूं जी आप मुझे वोट दीजिए, आप मुझे वोट दीजिए। तो अब फैसला आप लोगों के हाथ में। मैं एक ही चीज बोलती हूँ, मेरा रिश्ता नाता कुछ नहीं है यहाँ पे। किसी के, कोई कैंडिडेट कहता है जी मेरे चाचे हैं, किसी की बुआ है, किसी का ससुराल है, किसी का मायका है। आप लोग भाग्यशाली हैं, मैं तो कहूंगी सब कैंडिडेट्स को कि आप लोगों का इतने परिवार है, लेकिन मैं कहूंगी कि मैं और ज्यादा भाग्यशाली हूँ क्योंकि ये जो पूरा इलाका है ये राजा साहब का परिवार है, ठीक है जी। तो वो जो रिश्ता है ना उसको कोई भी नहीं तोड़ सकता। और मैं रिश्ते नाते के लिए वोट नहीं मांग रही हूँ, मैं सिर्फ काम काम और काम के लिए वोट मांग रही हूँ। और मैं आप लोग को बताना चाहूंगी कि मेरी निशानी है तारा, और मुझे ये लगता है ये जो कई बार होता है देखो बहुत मतलब आप अकेले जा रहे हो रात को, एक छोटा सा तारा भी दिखता है, उसके सहारे भी आप लोग अपना रास्ता निकालते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने कुछ ऐसी, भगवान मुझे वो शक्ति दे कि मैं वो छोटा सा तारा बन सकूं जो जो यहाँ अंधकार रूपी जो बहुत सारी कठिनाइयां हैं उसको मैं कम से कम पूरा तो मैं नहीं कहती मैं दूर कर पाऊंगी, लेकिन एक में शुरुआत जरूर कर सकती हूँ। आप, मैं नहीं कहती कि आप मुझे वोट दीजिए, मैं ये कहती हूँ अगर आपको लगता है कि मैं आपकी आवाजें विभाग तक, प्रशासन तक या सरकार तक मजबूती के साथ पहुंचा सकती हूँ, अगर आप मुझे सक्षम समझते हैं, मेरी काबिलियत आपको कहीं लगे, आप तब मुझे वोट दीजिए। क्योंकि वोट देने का अधिकार जो है, रिश्ते नाते सुख दुख एक तरफ है, लेकिन आप वोट दे रहे अपने 5 साल आप अपना भविष्य किसी के हाथों में दे रहे हैं। वो जो भविष्य है वो अगर आज नहीं होगा, हमारी आने वाली पीढ़ी को भी वही दिक्कतें झेलनी पड़ेगी। आप सभी से अनुरोध है कि काम के लिए, विकास के लिए आप मुझे वोट दीजिए, और जो यहाँ नहीं भी है उन्हें भी आप मेरा संदेश भेजें कि आप यदि चाहते हैं कि आगे ये दिक्कतें ना हो तो एक शुरुआत हमें करनी पड़ेगी, और वो शायद यही वो समय है। आपको मुझ पर विश्वास है, मेरे परिवार पे है, तो आप जरूर मुझे वोट दीजिए। और एक और बात है कि जगह की, स्थान की दूरी से फर्क नहीं पड़ता, दिल में दूरी नहीं होनी चाहिए। और इच्छा शक्ति सबसे बड़ी चीज होती है, मुझ में वो इच्छा शक्ति है, वो मैं आपको साबित करके दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले आप लोगों को मुझ पर विश्वास और मुझे वोट देना पड़ेगा। विश्वास क्या है, वही है कि वोट देना है जी, उसके बाद मेरा मेरी जिम्मेदारी रहेगी बाकी चीजों में। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कुल्लू से दिनेश गौतम की रिपोर्ट।